हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बता चुका हूँ, राइट? अपने प्रीवियस वीडियोज में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो ग्रिप एकेडमी चैनल को ओपन करके आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप हर मेथड्स के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए, कुछ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सवाल ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप अगर डायरेक्टली इन चार मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे, अगर आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड्स, इन चार मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है। वैसे क्वेश्चंस को पहले हम जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या था? a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा जिसमें जो कि इस फॉर्मेट में नहीं दिए हुए होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को पहले हम इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं और उसके बाद हम लोग ये चारों मेथड में से किसी एक मेथड को लगाकर हम लोग सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन्हें अगर इन चारों मेथड से आप सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक मिनट में जहाँ जो क्वेश्चन हो सकता है उसको सोल्व करने में आपको 7 मिनट 8 मिनट लग जाएगा, ठीक है? तो कुछ ऐसे मेथड्स भी हम जानेंगे कि जिससे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स को आसानी से कर पाए, ठीक है? तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं टाइप 1 से लेके टाइप 6, ऑल द 6 टाइप्स के बारे में, ठीक है? तो टाइप 1 का जो क्वेश्चन है वो कुछ आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। एक्स बाई 10 प्लस वाई बाई 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 15 एंड एक्स बाई 8 प्लस वाई बाई 6 इक्वल्स टू 15। ये क्वेश्चन है, ये आपका CBSE 1995 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो ये तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है नहीं, ठीक है? तो पहले हम लोग इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कोशिश हमारा हमेशा यही रहेगा कि ए बी और सी जो हो वो इंटीग्रल फॉर्म में हो, ठीक है? अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको पहले इंटीग्रल फॉर्म में लाते हैं। तो इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो पहले या तो आप डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। तो अगर हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 150। फाइनली ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 150 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 140। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है? इस इक्वेशन को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमेशा डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का एलसीएम हमें देखना है, जितना एलसीएम होगा वही उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो चलिए इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 इंटू 15 कितना होता है? 360। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड लगा करके और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोफिशियंट्स किसी एक वेरिएबल के कोफिशियंट्स को इक्वल करते हैं। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें?
2x + 4y = 280। इसको हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 4y, यहाँ पे भी 4y, साइन सेम है। सो साइन सेम रहने पे क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 - 2 और 2 - 3, ठीक है। सो चलिए 2 - 3 कर देते हैं, 2 - 3। सो 3x - 2x क्या मिलेगा हमें, x। देन 4y - 4y तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 - 280, कितना मिलेगा, 80। तो x कितना हो गया हमारा, 80 हो गया। अब x = 80 को हम लोग सिंपलेस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सा है, ये हमारा सिंपलेस्ट इक्वेशन है। तो पुट x = 80 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें, 80 + 2y = 140। 80 + 2y = 140, सो 2y = 140 - 80, सो 2y = 60, सो y = 30। सो x = 80 और y = 30 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस का, ठीक है। चलिए तो टाइप 2 के बारे में जानते हैं। देखिए टाइप 2 में आपको कुछ इस तरीके का सवाल आएगा, तो टाइप 2 में दिया रहेगा कि 2x + 2/3y = 1/6 एंड 3x + 2y = 0। ओके, x≠0 एंड y≠0, ठीक है। अब देखिए ये भी ax + by + c के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसीलिए x≠0 y≠0 भी दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपको CBSE 1994 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, जब भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में हो, तो हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। कैसे एज्यूम करेंगे, तो इस तरीके से एज्यूम करेंगे कि हमारा वेरिएबल जो है वो न्यूमरेटर में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 1/x को a एज्यूम कर लें एंड 1/y को b एज्यूम कर लें, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2a + 2/3b = 1/6, ठीक है। अभी भी कोफिशियंट्स जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, तो चलिए इंटीग्रल फॉर्म में लाते हैं। तो क्या करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन दिस इक्वेशन विद 6 क्या मिलेगा हमें, 12a + 4b = 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम ये चीज पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3a + 2b = 0, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें 3a = 2b मिल, -2b मिल जाएगा, ठीक है। अगर 3a = -2b है, यहाँ हमें चाहिए कितना, 12 है, सो 12 है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 12a = -8b, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 4 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा, -12a की जगह पे -8b, तो -8b + 4b = 1, तो -4b = क्या मिला हमें, 1, सो b = -1/4। अब b - 1/4 है, तो चलिए a फाइंड करते हैं, तो इसको सिंपलेस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सा है, यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो 12a = -8b, -8 × -1/4, तो a = ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, एंड 8/4 कितना हो गया, 2, सो 2 / ये 12 यहाँ से इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो गया ये, 1/6, तो a = 1/6 मिल गया हमें। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहीं पे छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि हमें आंसर मिल गया,
बट आंसर अभी नहीं मिला है। आंसर तब मिलेगा जब हम एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए बी क्या है, बी था वन अपॉन वाई, तो वन अपॉन वाई इक्व टू माइनस वन बाई फोर, तो वाई इक्व टू कितना होगा, अगर रिवर्स कर रहे हैं तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो वाई इक्व टू माइनस फोर, ये हमारा आंसर है। और ए कितना है, वन अपॉन एक्स है, तो ए इज वन अपॉन एक्स, सो वन अपॉन एक्स इक्व टू हाउ मच, वन बाई सिक्स, सो एक्स कितना मिल जाएगा हमें, एक्स इक्व टू सिक्स, सो एक्स इक्व टू सिक्स और वाई इक्व टू माइनस फोर, ये हमारा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन है, समझ गया। तो ये चीज हमें याद रखना है कि जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो हमें इस तरीके से एज्यूम करना होगा, ताकि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इस फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। एक बार इस फॉर्मेट में आ गया उसके बाद तो आप जानते हैं कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए टाइप थ्री के बारे में देखते हैं। तो टाइप थ्री का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का होगा, 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 5xy एंड 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 2xy। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इससे अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फंस जाएंगे, आगे चल के आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, तो जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए अगर मैं एलिमिनेशन मेथड ट्राई करता हूँ यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 3 जा 24, 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बट ये पार्ट कैंसिल नहीं हो पाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाने का आखिर हमारा उद्देश्य क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं उसमें हम एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं ताकि फाइनली हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाएगा, एक्स भी है वाई भी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में जो भी है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड साइड में एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग, चलिए इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं और इसको इक्वेशन टू ले लेते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू बाई एक्स वाई क्या मिलेगा हमें, एट बाई वाई प्लस सॉरी माइनस थ्री बाई एक्स इक्वल्स टू फाइव, करेक्ट। और इक्वेशन ये इक्वेशन थ्री हो गया, और इसको डिवाइड करने तो क्या मिलेगा, 6 बाई वाई माइनस 5 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब टाइप 2 आपको याद आ रहा है, अब ये आपका आ गया टाइप 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन अपॉन वाई को ए ले लीजिए एंड वन अपॉन एक्स को बी ले लीजिए, तो क्या हमें मिलेगा, 8a माइनस 3b इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 6a माइनस 5b इक्वल्स टू माइनस 2, करेक्ट। अब यहाँ तक आने के बाद अब आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा तो आपको a और b का वैल्यू मिलेगा, और a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करके और आप x एंड y का, y और x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे करके मैं उसको वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो चलिए टाइप 4 के बारे में जानते हैं। मेन थिंग है आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ तो आप कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है आप पे। चलिए देखते हैं टाइप 4 के बारे में कि टाइप 4 में किस तरीके का सवाल क्वेश्चन आ सकता है। तो टाइप 4 में आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, 5 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 15 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10, ओके। यहाँ पे x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, इसलिए x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0,
तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अब देखिए 5 बाई एक्स अगर रहता, 2 बाई वाई रहता, तो हम 1 अपॉन एक्स को ए ले लेते, 1 अपॉन वाई को बी ले लेते। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, सेम कॉन्सेप्ट ही लगाना है, बट आगे चल के हमें 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू जो वैल्यू हम लिख रहे थे वो यहाँ पे एक 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वो वैल्यू लिखेंगे। चलिए देखते हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लोग ए ले लेते हैं और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम लोग बी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एज्यूम हमेशा इसी तरीके से करना है कि ये इक्वेशन जो है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर हम ये यहाँ पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5a माइनस 2y सॉरी माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 15a प्लस 7b इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मुझे कोफिशियंट ऑफ ए इक्वल करना पड़ेगा, तो जिसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा हमें, 15a माइनस 6b ठीक है इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, अब देखिए साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। 7b प्लस 6b कितना होता है, 13b इक्वल्स टू 10 प्लस 3 13, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें b इक्वल्स टू 1। अब b इक्वल्स टू 1 को हम सिंपलेस्ट इक्वेशन पुट करेंगे, तो ये हमारा सिंपलेस्ट इक्वेशन है ना, तो b इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 1, 5a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 1। सो 5a माइनस 2 विल गो दिस साइड, सो इट विल कम प्लस 2, एंड प्लस 2 माइनस 1 इज हाउ मच, 1, सो 5a इक्वल्स टू 1, सो a इक्वल्स टू 1 बाय 5। ए कितना मिला हमें, 1 बाई 5। ए क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 बाई 5। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या मिल जाना हमें, 5। ये इक्वेशन है, चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ए इक्वल्स टू 1 बाई 5 मिला, बी कितना मिला था हमें, 1, तो बी क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ प्लस वाई यहाँ माइनस वाई, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, y और माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स क्या मिलेगा, 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4, सो x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सो वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2 डेट इज 3, सो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन है, ठीक है। समझ में आ गया, आया, गुड। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का स्पेशल टाइप क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका टाइप 5। टाइप 5 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इक्वल्स टू 9 बाई एक्स वाई एंड 4 बाई एक्स प्लस 9 बाई वाई इक्वल्स टू 21 बाई एक्स वाई, हेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, वाई नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, इसके पहले वाला जो टाइप था उसमें क्या था, एक्स वाई यहाँ पे था और वाई यहाँ था, एक्स यहाँ पे था, तो हम क्या किए थे, एक्स वाई से डिवाइड किए थे, इसलिए क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए था। अब यहाँ पे एक्स वाई वाई और एक्स सब डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे डिवाइड करने की जगह पे हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई अगर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो क्या मिलेगा हमें, 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 9, करेक्ट। और ये मिल यहाँ पे अगर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y प्लस 9x इक्वल्स टू 21। अब ये x प्लस बी इक्वल्स टू सी के फॉर्म में आ गया, करेक्ट। अब हम सोल्व कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो क्या मिलेगा, 4y प्लस 6x इक्वल्स टू 18, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, 9x माइनस 6x कितना होता है, 3x इक्वल्स टू 21 माइनस 18 3, सो x इक्वल्स टू 1।
अब x इक्वल्स टू वन पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 2y + 3 × 1 इक्वल्स टू 9, तो 2y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6, सो y इक्वल्स टू 3, ये है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए टाइप 6 के बारे में जानते हैं। देखिए टाइप 6 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइप 6 इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम्स में तो आने का बहुत संभावना है इसका। ठीक है, अगर इस तरीके का, अगर इस टाइप को अगर आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा होता है कि आप कहीं ना कहीं गलती भी कर सकते हैं और टाइम भी आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा लगेगा। तो एक मिनट का क्वेश्चन, दो मिनट का क्वेश्चन आप 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट भी ले सकते हैं सोल्व करने में। तो चलिए जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो टाइप 6 में आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, 217x + 131y = 913 एंड 131x + 217y = 827। ओके, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा, इतना बड़ा बड़ा आपका कोएफिशिएंट्स है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना स्टार्ट किए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना से मल्टीप्लाई करके और कोएफिशिएंट्स को इक्वल करें। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाइएगा तो करके देखिए एक बार, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ये क्वेश्चन एक्चुअली कुछ इस तरीके का है, ax + by = c and px + ay = c। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो कोफिशियंट ऑफ वाई हो जा रहा है, और कोफिशियंट ऑफ वाई जो फर्स्ट इक्वेशन में है वो सेकंड इक्वेशन में कोफिशियंट ऑफ एक्स हो जा रहा है, मतलब कोफिशियंट का एक्सचेंज हो रहा है दोनों इक्वेशन में। तो जब भी इस तरीके का सवाल है तो हम, मैं जो भी मेथड बताने जा रहा हूँ उसी मेथड से कीजिए, हमेशा आपको सही आंसर आएगा और कम टाइम में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देते हैं और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए ऐड करके देखते हैं, तो ऐड बोथ द इक्वेशंस, सो व्हाट यू विल गेट, 217 + 131, तो 843x + 843y = 0417। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन है यहाँ पे, है कि नहीं है, अच्छे से देखिए, यहाँ 348 कॉमन है। अब देखिए कि ये 348 से डिविजिबल होगा क्या, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, अगर यहाँ पे कॉमन यहाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और ये नंबर जो आएगा आपका राइट हैंड साइड में वो हमेशा इस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और नहीं तो फिर अगेन ये क्वेश्चन फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं 348 से, तो क्या मिलेगा हमें, x + y = 1740/348। कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 5 × 5 = 40, 5 × 20 = 24, 5 × 15 = 17। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें, 5, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए ऐड करके हमें एक सिंपल इक्वेशन x एंड y के रूप में मिल गया, एक सिंपल रिलेशन है ना x एंड y, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, तो 86x - 86y = यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या मिलेगा, 13 में से 7 गया 6 और 10 में से 2 गया 8, 86। ठीक है, अब देखिए अगेन 86 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x - y कितना मिल जाएगा, 1, तो x + y 5 है, x - y 1 है। अब यहाँ से हम बहुत आसानी से हम x और y फाइंड कर सकते हैं, राइट, कितना आसान हो गया, अगर हम डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते या कोई भी मेथड लगाते हैं यहाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे करना पड़ता। अब देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो y और y तो माइनस y कैंसिल हो गया, तो x + x कितना होगा, 2x = 5 + 1 6, सो x = कितना आ जाएगा, 3। अब x = 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 3 + y = 5, 3 + y = 5, सो y = 2। ये है हमारा y = 2x + x = 3, इसका सॉल्यूशन। तो ये था 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसको हम एक अलग तरीके से करते हैं।
ठीक है। अगर ये मेथड आप फॉलो कीजिएगा तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना चैनल बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज हम हमेशा लेकर आते रहेंगे। अब देखिए, ये छह टाइप अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में फिर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आसानी से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर नहीं कहीं पे अगर मिस अभी भी नहीं समझ में नहीं आया तो एक बार अच्छे से देखिए, क्योंकि यही वीडियो जो है वो आपको एग्जाम में 85 से 95 तक लेके जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होता है, देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो होता है ना वो आसान होता है, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो एवरेज लेवल का होता है। तो आसान और एवरेज तो सब लोग कर लेता है, जो टफ क्वेश्चन होता है वो कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो अगर आप टफ क्वेश्चन भी करना चाहते हैं और 90 अबव लाना चाहते हैं, 95 अबव लाना चाहते हैं, 9900 मैथ्स में लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।